वाराणसी जिला पंचायत सदस्य की हुई घर वापसी, कहा बसपा जैसा मान सम्मान कहीं नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दें, अपनी राय दें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। आज हम बात कर रहे थे वाराणसी के हरहुआ सेक्टर के नंबर 3 जिला पंचायत चुनाव के संदर्भ में। इस सेक्टर में, इस जिला पंचायत चुनाव में श्रीमती पुष्पांजलि पटेल यह विजयी थी। ये बहुजन समाज पार्टी की समर्थित उम्मीदवार थी, लेकिन कुछ कारण से वह भारतीय जनता पार्टी में चली गई थी। आपको बता दें कि चुनाव जीतने के बाद इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन वहां जाने के बाद भाजपा का जो रवैया है, गैर बराबरी का रवैया देखकर वो अब वापस बहुजन समाज पार्टी में आ चुकी है। आपको बता दें कि यह पुष्पांजलि पटेल और उनके पति प्रदीप पटेल, इन दोनों ने चुनाव जीतने के बाद भाजपा में प्रवेश कर लिया था और वहां जाने के बाद उनकी सांप्रदायिक और जातिवादी मानसिकता को देखकर उन्हें लगा कि बहुजन समाज पार्टी ही समतावादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी ही समता मूलक समाज का आंदोलन चला रही है, तो ऐसे में हमने वापस बहुजन समाज पार्टी के साथ जाना चाहिए। और उन्होंने फिर से अपनी घर वापसी कर ली है और बहुजन समाज पार्टी में प्रवेश कर लिया है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो पूर्ण तरह से सांप्रदायिक है, साथ ही जातिवादी सोच को रखने वाली वो पार्टी है। और ऐसे में यही अनुभव जो है बहुजन समाज पार्टी जो समर्थित जो जिला पंचायत सदस्य थी पुष्पांजलि पटेल और उनके पति प्रदीप पटेल, इन्हें आया। और इस अनुभव के चलते उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो जातिवादी पार्टी है और इसीलिए उन्होंने जातिवादी पार्टी को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में अपनी वापसी कर ली है और अब वो बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करेंगे, ऐसा ऐलान भी कर दिया है। इस संदर्भ में आप क्या सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक है या नहीं? अगर है तो किस प्रकार है, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंक पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।